हेलो सो so, इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स ओके सो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का मतलब क्या so, है सो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का बेसिक मीनिंग है इट इज़ यूज टू इट इज़ यूज टू अलाउ मैनी मोबाइल यूजर्स टू शेयर साइमटेनियसली अ फाइनाइट फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम मतलब कि जो रेडियो स्पेक्ट्रम है अब उसमें एक साथ बहुत सारे मोबाइल यूज़र्स डेटा का कम्युनिकेशन या वॉइस का कम्युनिकेशन कर सके अगर देखो ऐसा ना हो तो क्या होगा सपोज़ करो एक यूज़र है यू एन ऐसी एक और यूज़र है यूट्यूब एंड देर आर एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स यू एन अब मोबाइल का जो रेडियो स्पेक्ट्रम है जिस पर काम कर रहा है ठीक है हर अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग हो सकता है बट एक ही कंपनी के लाखों करोड़ों मोबाइल यूज़र्स होते हैं सो सपोज़ करो हमारे पास ये जो है ये रेडियो स्पेक्ट्रम है ओके सो देर इज़ अ रेडियो स्पेक्ट्रम अगर एक बार में एक ही यूज़र एक्सेस कर सकेगा अगर एक बार में एक ही यूज़र एक्सेस कर सकेगा तो बाकी यूज़र्स का जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सो so बहुत ज़्यादा बढ़ाने से रोकने के लिए और ये पॉसिबल भी नहीं है अगर मैं इसको एक प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचूं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे यूज़र्स आपका रेडियो स्पेक्ट्रम को यूज़ कर सकें या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी बैंडविरथ है जो आपकी बैंडविरथ है उसको शेयर कर सकें अब शेयरिंग तीन डिफरेंट तरीके से हो सकती है वी विल स्टडी ऑल दो थ्री इन दिस वीडियो या तो फ्रिक्वेंसी पे हो सकती है टाइम पे हो सकती है या फिर कोड के थ्रू हो सकती है ठीक है सो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हो सकती है टाइम के थ्रू हो सकती है और एक कोडिंग के थ्रू हो सकती है कोड के थ्रू तो अगर फ्रिक्वेंसी के थ्रू होती है तो उसको बोलते हैं एफ डी एम टाइम के थ्रू होती है तो उसको बोला जाता है टी डी एम ए कोड के थ्रू अगर होती है तो उसको बोला जाता है सी डी एम एंड वी विल स्टडी ऑल द थ्री इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों को बराबर से स्टडी करेंगे अब इसमें एक टर्म और आती है दैट इज़ डुप्लेक्सिंग डुप्लेक्सिंग इज सेंडिंग एंड रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रो फ्रॉम बेस स्टेशन की बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन भेजना और रिसीव करना साइमन टेनिस लेकर कर पा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं डुप्लेक्सिंग जैसे कि अगर एक कि बेस स्टेशन है लेटस से दिस इज द बेस्टेशन एंड देर इज अ मोबाइल तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने कोई शब्द बोला उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि गया सामने वाला उसका रिप्लाई करेगा तो एक साथ जो कम्युनिकेशन है भेजना सेंड करना इन्फॉर्मेशन को और रिसीव करना वो साइमेंटेनियसली रन करता है साइमेंटेनियसली होता है और उसको हम बोलते हैं डुप्लेक्सिंग अब डुप्लेक्सिंग भी दो डिफरेंट तरीके से हो सकती है तो फ्रिक्वेंसी की डोमेन पर होगी तो उसको बोलेंगे एफ डी डी तो इसमें क्या होता है दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के बैंड्स यूज होते हैं हर यूज़र के लिए ठीक है so, सो दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के बैंड यूज़ होते हैं हर यूज़र के लिए सो टू डिस्टिंग बैंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर एवरी यूज़र अब कौन कौन से होंगे किस किस कारण से बैंड होगा भाई सीधी सी बात है एक तो बैंड होगा लेट अस से दिस इज द यूज़र तो एक बैंड होगा मैं इस तरह से बना देता हूँ यहाँ पर फॉर फॉरवर्ड चैनल मतलब इन्फॉर्मेशन को स्टेशन तक भेजने के लिए फॉरवर्ड के लिए और एक बैंड होगा रिवर्स के लिए है ना तो एक बैंड होगा रिवर्स के लिए जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टेशन से यूजर तक लेकर के आएगा तो दो बैंड हैं फ्रीक्वेंसी के जो यूज होते हैं इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉरवर्ड एंड रिवर्स ठीक है एंड दिस इज़ यू कैन कॉल इट एज द बेस स्टेशन जबकि जो टाइम डिवीज़न होता है यहाँ पे टाइम इज़ यूज फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिवर्सलिंग टाइम इज़ यूज फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिवर्सलिंग तो अगर मैं टाइम डोमेन पे दिखाऊं इसको तो हो सकता है कि एक बार आपका फॉरवर्ड चैनल काम कर रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एंड देन रिवर्स चैनल काम कर रहा है कुछ टाइम के लिए सो दिस इज़ द टाइम तो यहाँ पे टाइम का यूज़ किया जाता है फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिवर्सलिंग ठीक है जैसे कि ऊपर दो डिस्टिंक्ट बैंड्स यूज हो रहे थे यहां पे हम टाइम का यूज करते हैं तो अगर टाइम का यूज कर रहे हो तो सिंगल चैनल को शेयर किया जाएगा सिंगल चैनल इज शेयर ओके तो ये तो बहुत बेसिक सा आइडिया हमने देखा अभी कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक होती कैम एंड नाउ वी विल सी वन बाय वन तीनों टेक्निक्स को स्टडी करेंगे और सबसे पहले देखेंगे एफ डी एम एफ डी एम ए क्या है फ्रीकुंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस मतलब कि फ्रीकुंसी को अब हम डिवाइड कर रहे हैं अवेलेबल बैंड वर्थ को हम डिवाइड कर रहे हैं सो इट असाइंस इंडिविजुअल चैनल्स टू इंडिविजुअल यूजर्स एंड डिफरेंट यूजर्स आर असाइंड डिफरेंट ट्रैफिक चैनल्स हर यूज़र के लिए एक अलग फ्रिक्वेंसी बैंड यहाँ पे दे दिया जाता है जैसे हमने लिखा ईच यूज़र इज एलोकेटेड अ यूनिक फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरिंग दैट कॉल पीरियड नो अदर यूजर कैन शेयर द सेम चैनल तो एक तरह से आप कह सकते हो एक्सक्लूसिवली एक यूज़र को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का बैंड दे दिया जाता है जिसके ऊपर वो कम्युनिकेशन को कर सकता है ठीक है और जब तक कॉल चल रही है वो फ्रिक्वेंसी बैंड उस पर्टिकुलर यूज़र का ही रहेगा सो so, इसमें आप इस तरह से देख सकते हो सपोज दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी को अब हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के बैंड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है लेटर से ये है एफ़ वन एफ़ टू एफ थ्री एंड एफ़ फोर अब हम क्या करेंगे हर यूज़र को एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी दे देंगे सपोज़ यूज़र यू वन को मैंने एफ़ वन दे दी यू टू को एफ़ टू एंड सो ऑन यू थ्री को एफ थ्री एंड यू फोर को एफ़ फोर तो हर यूज़र को एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पर दे दी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली ओके okay? अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू हैव टू नोट इट डाउन दिस पॉइंट दैट हर फ्रीक्वेंसी का जो मतलब डिवीज़न हो रहा है ऐसे फ्रीक्वेंसी एफ वन और एफ टू उसके बीच में थोड़ा सा हम स्पेस रखते हैं और ये स्पेस होता क्या है दिस इज नथिंग बट दिस इज दार्ड बैंड जो गार्ड कर रहा है मतलब सुरक्षा कर रहा है रक्षा कर रहा है अब रक्षा किस तरह से करेगा कोई चोर डाकू तो आएगा नहीं है फ्रिक्वेंसी को चुराने के लिए तो किससे प्रोटेक्शन कर रहा है बेसिकली सो so, प्रोटेक्शन कर रहा है फ्रॉम इंटरफेरेंस सो इंटरफेरेंस इज रिड्यूस्ड इज रिड्यूस्ड बाय गार्ड बैंड्स। ठीक है भाई दो फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच में आपने एक गार्ड बैंड लगा दिया तो दोनों फ्रीक्वेंसी के जो बैंड है वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर पाएंगे और अगर होगा भी ओवरलैपिंग तो बहुत कम होगा अगर होगा भी तो बहुत कम होगा जिसके कारण से जो इंटरफेरेंस है वो कम होता है इसमें अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं यू कैन नोट इट डाउन द फीचर्स ऑल्सो सो इट कैरीज ओनली वन सर्ट फोन सर्किट एट ए टाइम सो इट कैरीज ओनली वन फोन सर्किट एट ए टाइम देन द सेकेंड फीचर ऑफ दिस एफ डी एम ए इज अगर ये वाला सपोज ये वाला चैनल यूज़ नहीं हो रहा अभी कोई यूज़र नहीं है तो ये आइडियल बैठेगा इफ़ नॉट यूज इफ़ अ चैनल इज़ नॉट यूज देन इट सिट आइडियल तो एक तरह से कह सकते हो कि इसमें वेस्टेज भी होती है अगर कोई यूज़र यूज़ नहीं कर रहा तो खी और उसको आप यूज़ नहीं कर सकते वो आइडियल ही बैठेगा बट आप देखो इसमें क्या है कि जो इंटरफेरेंस तो है, है, है। ठीक है थोड़ी कम होती है बट लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूजर्स ही इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स अगर देखो इसमें क्या है अगर आप एक फ्रिक्वेंसी बैंड को या अपने चैनल को सपोज करो थाउजेंड फ्रिकुवेंसी बैंड्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो तो आपका जो लिमिट हो गया वो थाउजेंड हो गया थाउजेंड यूजर्स ही उसको साइमेंटेनियसली यूज़ कर सकते हैं सो लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूजर्स ओके सो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स देन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी कम होती है as compared to other systems. So you can write it down less complex. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसका कम होता है एफ का सो दिस इज़ द बेसिक idea ऑफ एफ जहाँ पे हमने देखा कि हर यूजर के लिए एक एक्सक्लूसिव फ्रिक्वेंसी बैंड को हम देते हैं दैट इज़ एफ ना लेटेस्ट सी टी डी एम ए यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वी आर डिवाइडिंग द टाइम बेसिकली सो इन दिस द अवेलेबल स्पेक्ट्रम इज पार्टिशन इंटू नैरो फ्रिक्वेंसी बैंड्स और चैनल्स विच इन टर्न आर डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स तो ये तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है अभी मैं आपको एक सिंपल वाला भी सिख बताऊँगा इसका जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टाइम के थ्रू किस तरह से हो रहा है नाउ इन दिस ईच स्लॉट इन ईच स्लॉट ओनली वन यूजर इज अलाउड टू आइदर ट्रांसमिट और रिसीव तो जनरली देखो होता क्या है इसमें इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस अगर हम इस तरह से करते हैं दिस इज दी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पे आपके पास टाइम है ओके तो करते क्या है हम टाइम के अंदर डिवाइड कर देते मतलब ये वाला टाइम हमने दे दिया एक पर्टिकुलर पहले यूजर को दिस टाइम इज गिवन टू यूज़र वन ओके एंड ऐसे ही इसके बाद हम टाइम को डिवाइड कर देंगे ये वाला टाइम मैंने दे दिया सपोज़ यूज़र टू को दिस इज़ फॉर यूज़र टू दिस इज़ फॉर यूज़र वन ऐसे ही आप क्या करोगे आप टाइम को डिवाइड करोगे फ्रिक्वेंसी को डिवाइड नहीं करोगे टाइम को डिवाइड करोगे इस तरह से ये काम करता है ठीक है अब जो कॉम्प्लेक्स आते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स जब होता है उसमें हम क्या करते हैं टाइम के साथ साथ हम फ्रिक्वेंसी को भी डिवाइड कर देते हैं मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी बैंड है अस से दिस इज़ फ्रीक्वेंसी बैंड वन ये एक और फ्रीक्वेंसी बैंड है और ये एक और फ्रीक्वेंसी बैंड है तो यहाँ पे क्या किया गया टाइम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बैंड्स को भी डिवाइड कर दिया मतलब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये अलग है सेपरेट है अब इसके अंदर हमने टाइम डिवाइड कर दिया अभी तक क्या हो रहा था जब आपका एफ डी एम ए था उसमें ये फ्रिकुंसी बैंड पूरा का पूरा एक सिंगल यूज़र यूज़ कर रहा था अब हमने क्या करा इस फ्रिक्वेंसी बैंड के अंदर भी हमने मल्टीपल यूजर्स लगा दिए कि ठीक है इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए एक यूज़र यू वन एक्सेस करेगा इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़र यू टू एक्सेस करेगा इतने टाइम के लिए यूज़र यू थ्री एक्सेस करेगा तो ये हमने कर दिया यहाँ पे ऐसे ही ये वाला जो है दिस इज इसको अब हमने डिवाइड कर दिया इस फ्रिक्वेंसी बैंड के अंदर इसको अब हो सकता है कि यहाँ पे यूजर U4 इसको एक्सेस करेगा यूजर U5 एक्सेस करेगा यूजर U6 एक्सेस करेगा इसी तरह से यूजर U7 सेवन यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता है U8 एट एंड यू तो टाइम के साथ साथ अगर हम फ्रिक्वेंसी को भी यहाँ पे कर देते हैं तो हम अपनी चैनल की जो कैपेसिटी है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो यही होता है यहाँ पे बट आप अगर बेसिक आइडिया देखोगे जो बेसिक आइडिया है वो ये है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टाइम को डिवाइड कर रहे हैं कि यूज़र यू को इतना टाइम मिला ट्रांसमिट करने के लिए यूज़र यू को इतना यू को इतना टाइम मिल रहा है ठीक है सो दिस इज टी डी एम टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फीचर्स हैं इसके भी जैसे कि आ, इसमें सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाता है फॉर सेवरल यूजर्स यू कैन नोट इट डाउन सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी इज यूज्ड फॉर सेवरल यूजर्स जैसे कि हमें यहां पर दिख भी रहे वी कैन सी इट ऑल्सो फॉर सेवरल यूजर्स ओके एंड डिफरेंट टाइम स्लॉट्स आर यूज फॉर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर डुप्लेक्स आर नॉट रिक्वायर्ड मतलब एक साथ नहीं हो रहा अलग अलग टाइम पे हो रहा है यहाँ पे ठीक है सो यहाँ पे क्या करते हैं हम डुप्लेक्सर की जरूरत नहीं होती है सो so, मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ डुप्लेक्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड सो so, डुप्लेक्सेस नॉट रिक्वायर्ड अब इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता बर्स्ट में होगा भाई देखो U1 ने इतना ट्रांसमिट किया फिर U2 ने किया U3 ने किया फिर उसके बाद U1 ने दोबारा करेगा चलो सपोज पूरा नहीं हुआ था बट थोड़ा थोड़ा टाइम के मिलेगा तो एक बर्स्ट में इतना किया दोबारा बस्ट हुआ था इतना क्या सो डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ठीक है सो टी डी एम ए में थोड़ा सा देखो लेटेंसी का इश्यू होता है डेटा पूरा कॉन्टिन्यूस नहीं आता रुक, रुक रुक के आता है सो डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट सो कॉन्टिन्यूअस आर सम ऑफ़ द फीचर्स ऑफ टी नाउ वी विल सी सी डी एम ए दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस अब यहाँ पे क्या करते हैं हम अपने जो सिग्नल है ना जो मैसेज है उस मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं विद अ डिफरेंट सिग्नल एक बहुत बड़े बैंडविड्थ सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सिग्नल को बोला जाता है स्प्रेडिंग सिग्नल और पिन कोड इट इज़ कॉल्ड एज द स्प्रेडिंग सिग्नल और पिन कोड अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ऑल द यूजर यूज द सेम करियर फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट साइमटेनियसली भाई एक साथ मतलब अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो एक साथ सारे यूजर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं यूजर यू वन भी कर रहा है यू टू भी कर रहा है एंड सो ऑन अप टू यू एन भी कर रहा है बट डिवीजन किस तरह से हो रहा है जो आपका पिन कोड है मतलब अगर इस यूजर का पिन कोड सी वन है इसका सी टू है एंड लेटे से इसका सी एन ए तो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को यूज़ करके हर यूज़र एक साथ साइमेंटेनियसली एक ही चैनल के ऊपर अपना डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है बट इसमें एक चीज़ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ईच यूज़र हैज़ इट्स ओन पिन कोड हर यूज़र का अपना एक पिन कोड होगा एंड देर आर नो नीड ऑफ गार्ड बैंड्स गार्ड बैंड्स की भी जरूरत यहाँ पर नहीं होती है ठीक है सो सी इस तरह से करता है सो फॉर डिटेल आ, अगर आप सी डी एम ए को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरा लेक्चर है इन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स की प्लेलिस्ट के अंदर मेरा लेक्चर है ओके ऑन सी डी एम ए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा वहाँ पे मैंने पूरा सी डी एम ए का बताया रखा है कि किस तरह से काम करता है बट आपको मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ लेटेस्ट एक यूज़र है स्टेशन है एस वन एस टू एस थ्री एस फोर मेरे पास चार स्टेशन हैं तो हर स्टेशन का अपना एक कोड होगा इसका है सपोज सी वन इसका है सी टू इसका है सी थ्री और इसका है सी फोर ठीक है अब हर स्टेशन का क्या होगा मैंने क्या कहा हर यूजर का पिन कोड होगा तो हर स्टेशन का अपना एक कोड होता है लेटेस्ट से इसका कोड है डी वन डी टू डी थ्री एंड डी फोर हर एक का अपना अपना कोड है अब डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा डेटा ट्रांसमिशन होता है बाय मल्टीप्लीकेशन हमने ये तो लिखा इस मल्टीप्लाइड यानी इसका क्या मल्टीप्लाई होगा सी वन इंटू डी वन ये क्या होगा सी टू इंटू डी टू क्या होगा सी थ्री इंटू डी थ्री एंड लाइक दिस सी फोर इंटू डी फोर और ये पूरा सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट होगा सिंगल चैनल के ऊपर ठीक है अगर मैं एक चैनल बना लेता हूँ इस तरह से लेट अस से दिस इज द चैनल तो इस चैनल पे पूरा का पूरा कोड एक साथ ट्रांसमिट हो जाएगा इस तरह से सी वन इंटू डी वन प्लस सी टू इंटू डी टू प्लस सी थ्री इंटू डी थ्री प्लस सी फोर इंटू डी फोर सो सिंगल चैनल के ऊपर सारा कम्युनिकेशन जो चार डिफरेंट स्टेशन का कम्युनिकेशन था वो एक साथ हो सकता है विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंट कोड्स जैसे सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फोर अब किस तरह से देखो तो रिसीव होता है किस तरह से उसका पूरा मैथमेटिक्स है क्या क्या उसके फीचर्स हैं वो सारा आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा जो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा सी डी एम ए का वहाँ से आप पूरा स्टडी कर सकते हो डिटेल के अंदर बट सिंस मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर मैं थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा कवर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर इतना इसको देखने का कुछ इशू नहीं आएगा इतना आपको नहीं चाहिए अब इसके देखो फीचर्स बस बताए तो मैं आपको दो फीचर्स होते हैं इसके मेन जो फीचर्स है अगर आप दो कोड्स को मल्टीप्लाई करोगे लेटर से आपने कोड सी वन और सी टू को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलना चाहिए आंसर ज़ीरो याद रखना कोई से भी दो कोड्स को अगर कर रहे हो और अगर आप उस कोड को अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे यानी सी वन इंटू सी वन करा आपने तो आपको मिलने चाहिए नंबर ऑफ स्टेशन ठीक है so, सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को आपको याद रखना है ये इसके फीचर्स हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के सो so, यहाँ पे हमने तीनों स्टडी कर लिए हैं अब एक बार क्या करेंगे हम इन तीनों का कंपैरिजन देख लेंगे ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप इस टेबल को भी अगर बना सकोगे तो बहुत इजी रहेगा आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टी में क्या होता है टाइम इज सेगमेंटेड इन टू डिस्टिंगविश टाइम स्लॉट्स टाइम को सेगमेंट करते हैं एफ डी एम ए में हम फ्रिक्वेंसी को सेगमेंट करते हैं जबकि सी डी एम ए में डिफरेंट कोड्स यूज होते हैं एक सिंगल चैनल के लिए ना हो टी डीएमए में ऑल टर्मिनल्स ऑन सेम फ्रिक्वेंसी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने कहा था ना बस्ट के लिए काम करता है बस्ट में जाता है मतलब हर को थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलेगा बट यहाँ पे हर एक टर्मिनल के लिए हर यूज़र के लिए टर्मिनल बेसिकली यू कैन से अज़र हर टर्मिनल या यूज़र के लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि सारे टर्मिनल भाई एक साथ काम कर सकते हैं दे कैन बी एक्टिव साइमटेनियसली देन देन डिजिटल होता है ये यूजड इन जी एस एम जी एस एम के अंदर यूज होता है एनालॉग है सबसे पुराना है और जो सी डी एम एम है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन तीनों के अंदर तो अगर आप इस बताओ को डायग्राम की मदद मतलब से समझाना चाहोगे ना एग्जाम में तो इस तरह से समझा देना यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पे हम टाइम को डिवाइड करेंगे ठीक है तो ये अगर मेरा टाइम है और ये फ्रीक्वेंसी है तो मैं क्या कर रहा हूँ टाइम को डिवाइड कर रहा हूँ इन फ्रीक्वेंसी वाले में हम क्या करेंगे अगर ये टाइम है और ये फ्रीक्वेंसी है तो मैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा हूँ इस तरह से और सी डी एम में तो भाई एक साथ एक ही चैनल के ऊपर सब कुछ ट्रांसमिट हो सकता है यूजिंग डिफरेंट कोर्स सी वन डी वन इस तरह से आप दिखा सकते हो सी टू डी टू ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू वेरी मच